गाइस यार देखो यहाँ पर ना मैं आज अकेला घूम रहा हूँ क्योंकि भाई साहब शिनचान और नोबिता को टाइम ही नहीं है मेरे साथ यहाँ पे घूमने जाने के लिए। घूमने नहीं, एक्चुअली मैं गया था यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, और ये लोग जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे जाने के बाद ही मैं उसको ये बैग थमा देता हूँ, वो बैग थमा देता हूँ, इसीलिए वो हमेशा मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बहाना मारता ही रहता है। लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ पे जाके देखते कि वो लोग कर क्या रहा है। मुझे ना दाल में कुछ काला उसका ज़रूर लग रहा था क्योंकि वो लोग कुछ अलग टाइप का यहाँ पे बोल रहा था। पता नहीं यार तीनों मिलकर क्या कर रहा है, जब तीनों एक साथ होता है ना तो फिर मेरा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओ भाई साहब अरे सॉरी भाई। यार गाइस तुम लोग यार यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों की घर में यहाँ पे कोई बहन सिस्टर भाई है, अगर है तो फिर आप बड़े हो कि आप छोटे हो, जल्दी से कमेंट करो। चलो ये आ गया, ठीक है। हो अच्छा हुआ। अरे यार शिनचान, यार बहुत गर्मी है यार, एक ग्लास पानी लेके आना ज़रा। शिनचान, ओए शिनचान, अजीब बात है यार ये भाई साहब मेरे को आवाज़ ही नहीं देता है। शिनचान चुप। अरे यार चुप, यहाँ पर नहीं है। ओए शिनचान कहाँ जा। अरे ये लोग क्या कर रहा है, दरवाज़ा को क्यों ठोक रहा है। अरे यार इसका दिमाग लगता है ख़राब हो चुका है। भाई साहब तोड़ तोड़ और जोर से मार नोबिता, और जो ओए देखो कलवा आ गया, और जोर का मार। अरे मार ही रहा हूँ जोर से। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग इस दरवाजे को तोड़ने के पीछे क्यों पड़े हो। फ्रैंकिन भैया रुको। अरे क्या मैं रुकूँ। अरे हाँ रुक जाओ भाई साहब और जोर से मार। है नोबिता तूने कुछ खाया नहीं है क्या। नोबिता यार जल्दी करो, जल्दी से मारो। हे तुम लोग मेरी बातों के यहाँ पे आवाज़ दो, यहाँ पे क्या हुआ, तुम लोग इस दरवाजे के पीछे क्यों पड़े हो। अरे रुक जाओ ना। अच्छा अरे क्या यार तुम मुझे यहाँ पे रुकने के लिए बोल रहे हो। नोबिता रुको। अरे बाप रे फ्रैंकिन भैया क्या कर रहे हो यार। अरे नोबिता यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो पहले वो बताओ। फ्रैंकिन भैया आप यहाँ पे हर एक काम में बाधा क्यों डालते हो यार। क्या मैं बाधा डालता हूँ। हाँ फ्रैंकिन भैया आप बाधा डालते हो, लेकिन मैं क्यों बाधा डालूंगा, ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है और मैं बाधा डाल रहा हूँ। अरे फ्रैंकिन भैया घर आपका है सब मान लिया यार, लेकिन घर आपका है तो फिर आप हमें ये बताओ कि इस गेट के अंदर से यहाँ पे कैसा कैसा भयानक सा आवाज़ आता है, वो कौन करता है। आप क्या गेट के अंदर से भयानक सा आवाज़। हाँ फ्रैंकिन भैया बहुत ही ज़्यादा भयानक। भाई साहब नोबिता तो यहाँ पे पैन में सूसू कर देता कुछ देर पहले। क्या क्या हुआ है फ्रैंकिन भैया, क्या हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई हम लोगों को आवाज़ देता है कि यहाँ पे अंदर आ जाओ, डर रहे हो क्या, शर्मा रहे हो क्या, इस टाइप का। डर रहे हो क्या, शर्मा रहे हो क्या, इस टाइप का। हाँ फ्रैंकिन भैया अजीब बात है यार। फ्रैंकिन भैया पता नहीं यार क्या इस गेट के अंदर कोई यहाँ पे सीक्रेट बंकर, यहाँ पे सीक्रेट रूम है। यार नोबिता शिनचान देखो इस दरवाजा के बारे में ना मुझे उतना नहीं पता, ये गेट ये घर ये सब कुछ मेरे पापा का बनाया हुआ था। इस घर में ऐसा बहुत सारा यहाँ पे सीक्रेट बंकर से ना जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी यहाँ पे आइडिया नहीं है और मैंने कभी गौर भी नहीं किया इन सभी चीज़ों पे। तो भाई साहब गौर किया करो यार, क्या करते हो, क्या पता इसके अंदर कोई हिडन खजाना मिल जाए भाई साहब, और उस खजाने से हम लोग अमीर मशहूर और बहुत बड़ा यहाँ पे हस्ती बन जाए। इसके बातों के ऊपर बिलीव मत करो, चलो यहाँ पे खाना खाते। अरे फ्रैंकिन भैया सुनो ना। हाँ बोलो। फ्रैंकिन भैया गरीबी यार बहुत बुरा चीज़ होता है यार, आप यहाँ पे चलो ना इस दरवाजे को ओपन करो। अरे तुम लोग कब से ट्राई कर रहे हो। फ्रैंकिन भैया हम लोग पिछले एक घंटे से बाजार तो मैं गया हूँ यहाँ पे आधे घंटे। हाँ तो फिर आधे घंटे से आप बाजार जाने के बाद ही मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था। नोबिता भी इस दरवाजे को तुमने किससे मारा। फ्रैंकिन भैया हथौड़ा से। एक बार इस लॉक को यहाँ पे वेल्डिंग करके देखो। ठीक है फ्रैंकिन भैया। हाँ नोबिता बहुत बढ़िया, चलो वेल्डिंग करो इस चीज़ को। अरे कर रहा हूँ यार, लेकिन वेल्डिंग करने के बावजूद ये दरवाजे को कुछ नहीं हो रहा है। अरे यार होगा होगा, तुम बस ट्राई करते रहो सब कुछ होगा। अरे यार थोड़ा सा भी नहीं पिघला। तो इसका मतलब दरवाजे के अंदर कुछ तो यहाँ पे सीक्रेट जरूर है। तो भाई साहब तोड़ दे दरवाजा को। नोबिता हुआ नहीं फ्रैंकिन भैया नहीं हो रहा है, देखो दरवाजा का एक हिस्सा भी यहाँ पे जला ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, दरवाजा इतना ज्यादा शक्तिशाली। तो फ्रैंकिन भैया अब क्या करे। रुको यार शिनचान तुम एक काम करो, तुम ड्रिलिंग करो। ओके फ्रैंकिन भैया ड्रिलिंग स्टार्ट कर दिया। भाई साहब आप मुझे कोई काम करने के लिए मत बोलना। अजीब बात है कुछ हुआ क्या। नहीं फ्रैंकिन भैया थोड़ा सा भी नहीं हिला। अजीब बात है, रुको मैं चाबी देखता हूँ। कितना अजीब बात है गाइस, ये लोग बोल रहे हैं कि घर के अंदर इस दरवाजे से यहाँ पे अजीब सा आवाज़ आया, पता नहीं ऐसा कैसे आवाज़ आ सकता है। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग जाके चाबी ढूंढते। कहा गया चाबी,
चाबी का गुच्छा ना यहीं पर पड़ा रहता था। अरे चाबी चाबी नहीं यार, चाबी तो यहाँ पर नहीं है। अरे क्या है, अरे व्हाट, ये क्या है, देखता हूँ एक बार। ओ भाई ये तो कुछ और ही है, चाबी ढूंढ रहा था यार, चाबी नहीं मिला। कहाँ जा सकता है यार, चाबी चाबी नहीं रहा यार। आई थिंक वो यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ दिया होगा। चलो 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 देख के आता हूँ। ओके अरे गाइस दरवाज़ा टूटा है क्या, शिनचैन नोबिता दरवाज़ा टूट गया है क्या? आई थिंक वो आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। हेलो गाइस, अरे यार कुछ नहीं टूटा यहाँ पे, 1% भी नहीं हुआ कुछ भी। भाई साहब दरवाज़ा को क्या अंबुजा सीमेंट से बनाया गया है क्या? अरे यार पता नहीं इस दरवाज़ा के अंदर ऐसा किया है कि दरवाज़ा नहीं टूट रहा है। अरे छोड़ो बेकार का। हाँ छोड़ दो यार, फ्रेंकी मेरा सब काम यहाँ पे बेकार चला गया। एक काम करते, कैसा काम, चलो हम लोग यहाँ पे बाहर जाके दरवाज़ा ओपन कर पाए कोई ऐसा मिस्त्री बुलाते। अरे फ्रेंकी भैया ऐसा मिस्त्री काम करेगा क्या? हाँ जरूर करेगा, तुम आओ तो सही। हे चुप भाई साहब, क्या बात है, एक घर का ख्याल रखना, हम लोग मिस्त्री बुलाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई साहब, ओके चलो गाइस कम ऑन। अरे हाँ ठीक है, ओके यार अभी यार जल्दी चलो। ओ भाई अब तो आएगा मज़ा। चलो अभी यहाँ पे हम लोग जाके उस वाले यहाँ पे, एक सेकेंड यार क्या हो गया फ्रेंकी भैया, आप इतना घबरा क्यों गए यार? शिनचैन जब मैं घर से निकला, हाँ तब चौप यहाँ पे अपने घर में था। हाँ यार लेकिन जब मैं यहाँ पे घर के अंदर गया तुम लोगों के साथ, हाँ चौप वहाँ पर भी था। हाँ एक साथ यहाँ पे दो चौप कैसे हो सकता है यार? हाँ ये तो चीज़ मैंने सोचा ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे फ्रेंकी भाई जल्दी करो, कुछ गड़बड़ जरूर है यार, ये आ गया। ओए अरे भाई साहब अभी दिखाता हूँ यार। हे चुप, अरे क्या है, अरे चुप भाई साहब अभी दिखाता हूँ, जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। चुप, ओए चुप, चुप कहाँ चला गया चुप के बच्चे? भाई साहब क्या हो गया, कोई भूत देख लिया क्या? चुप यार एक बात बता, क्या हो गया यहाँ पे? तू कुछ देर पहले घर के अंदर था। भाई साहब कब से मैं घर की बाहर ही यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, घर के अंदर मैं कब गया? क्या कह रहे हो चुप, तुम हमारे साथ नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। हे तो फिर वो कौन था? जल्दी करो घर के अंदर आओ। फ्रेंकी भैया चलो चलो चलो। अरे बाप रे यार, अरे ये क्या, गाइस व्हाट इज दिस यार? फ्रेंकी भैया ये कहाँ गया, मैंने तो यहाँ पर ही देखा था। अरे बिल्कुल वो तो हमारे साथ ही खड़ा था। इसका मतलब है इस दरवाजे के अंदर जरूर कुछ है, और वही आदमी यहाँ पे निकल के आया था। रूप धारण कर सकता है? हाँ यार ऐसा ही हुआ है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा बात है, ये कैसे हो सकता है? फ्रेंकिन भैया हाँ बोलो, इस दरवाजे को जल्दी से ओपन करो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। एक यहाँ पे किसी को बुला के लाते। चुप तू श्योर है ना? भाई साहब लिखवा ले मेरे से, मैं तेरे घर के अंदर नहीं गया था। अरे यार ये चीज मैंने सोचा ही नहीं था। अरे जल्दी करो गाइज। हाँ रुको आ रहे है। ओके अब यार जल्दी से यहाँ पे मैं किसको बुलाऊ, किसको बुलाऊ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी करो गाइज। अरे हाँ ठीक है आ रहा हूँ रुको। अरे नोबिता नोबिता जल्दी कर। अरे रुको मैं आ रहा हूँ। अरे शिनचैन इतना सुस्त क्यों बन रहा, जल्दी कर ना। अरे हाँ ठीक है चलो, अब किसको बुलाया जाए? फ्रेंकिन भैया हाँ बोलो। फ्रेंकिन भैया इस दरवाजे को ओपन करने के लिए हम लोग किसका मदद ले सकते यार? वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ किसका मदद ले सकते, और वही तो आदमी यहाँ पे मिल नहीं रहा है ना, तू मुझे बताना किसका मदद ले तो फिर यहाँ पे अच्छा होगा। फ्रेंकिन भैया मुझे लगता है कोई एक अच्छा सा मिस्त्री यार, अच्छा सा मिस्त्री कौन है भाई साहब, हटो ना। ओ ओ ठीक है चलो ठीक है, अच्छा सा मिस्त्री कौन होगा? फ्रेंकी भैया अच्छा सा मिस्त्री पपलू मिस्त्री, वो बहुत ज़्यादा बात करता है यार, तो फिर और कोई? अरे यार मैं हाँ सही बात है, चलो एक काम करता हूँ घर जाता हूँ। अरे फिर से क्यों घर ले रहे हो? अरे घर जाके मैं यहाँ पे किसी मिस्त्री को, भाई साहब ओह ठीक है मैं किसी मिस्त्री को यहाँ पे फ़ोन कर देता हूँ, वो यहाँ पे आ जाएगा ना तो फिर यहाँ पे मेरा काम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके तो फिर यार यही बात है, तो वह चलो यार लेट्स गो। चलो यार आ चुके हैं घर में, अभी यार जाके देखते चलो। हाँ फ्रेंकी भैया चलो। ओके यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ। कैसा काम? इस घर के अंदर दरवाजे के अंदर अगर मैं बॉम्ब लगा दूँ तो फिर कुछ हो सकता है ना काम? अरे कहाँ गए दोनों? अरे रुक जाओ यार आ रहे है। अरे यार बताओ
अगर बॉम्ब लगा दे तो यहाँ पे घर का दरवाजा खुल सकता है ना। हाँ यार वो हो सकता है, लेकिन यार बॉम्ब कैसे फिट करे वो नहीं पता फ्रेंकी भैया। अरे कुछ तो उपाय होगा जिससे दरवाज़ा ओपन होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे किसी को फ़ोन करके बुला ही लेता हूँ। हाँ ठीक है। अरे चलो यहाँ पे मैं, अरे नहीं छोड़ो यार, मैं किसी को नहीं बुलाऊँगा। एक काम करते, कैसा काम, इस दरवाज़ा को तुम लोग फिर से एक बार ट्राई करो हथौड़ा से। हाँ ठीक है। चलो नोबिता तो काम पे लग गया फ्रेंकिन भैया। हाँ नोबिता काम पे लग चुका है, अभी कुछ यहाँ पे होगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। अरे बिल्कुल। अरे फ्रेंकिन भैया दरवाज़ा खुल रहा है। क्या खुल रहा है? हाँ फ्रेंकिन भैया। अरे बहुत बढ़िया, लॉक के अंदर ही मार। अरे हाँ लॉक के अंदर ही मार रहा हूँ। चलो 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 ये दरवाज़ा खुल रहा है फ्रेंकिन भैया। अरे बस और दो तीन मार यार खुल जाएगा। ठीक है रुको मैं मार रहा हूँ। ओके लीजिए फ्रेंकी भैया दरवाजा ओपन हो चुका है। अरे बहुत बढ़िया गाइस, अभी तुम लोग रेडी हो? अरे हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। ओके तो फिर चलो अभी यहाँ पे दरवाजा के अंदर जाते। लेडी? हाँ रेडी। ओके लेट्स गो। व्हाट ये क्या है फ्रेंकिन भैया, ये तो आप बोलोगे यार कि ये क्या है। अरे बापरे यार, ये जगह के बारे में मुझे लिटरली यहाँ पे थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। चलो आ जाओ। हाँ चलो, यहाँ पे लाइट इतना कैसे आ रहा है वो तो आप जानो। ये दरवाजे के अंदर एक क्या है? अरे बापरे ये तो तेल। फ्रेंकी मैं तेल किस बात का, मुझे क्या पता होगा कि तेल किस बात का। यार यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो यहाँ पे भूत बन के हम लोगों को डरा रहा है। अरे यार भूत कही के मेरे सामने आ जा, तेरे को तब दिखाऊंगा। अरे बोप देखो बापर कोई पड़ा है। हे तुम जो भी हो जल्दी करके यहाँ पे उठो और मेरे को यह बताओ कि तुम कौन हो, वरना एक गोली ऐसा मारूंगा जिस गोली से देखना डरा नहीं। आ जाओ। हाँ चलो चलो चलो। हे मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, एक दो तीन। ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं हुआ इसको। अरे ये लो। ओ यार ये तो कोई मरा हुआ आदमी है जो कि बहुत दिन पहले मर चुका है फ्रेंकिन भैया। हाँ यार, अरे यार शायद इसी का आत्मा अभी भटक रहा है इस जगह पे। ये आदमी है कौन जो हमारे घर के अंदर इस टाइप से मरा पड़ा है, मुझे क्या पता होगा। चलो 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 अभी और अंदर चलो, और अंदर चलो। हाँ ठीक है चलो। ओके यार गाइस ये रास्ता सच में बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है और हर एक चीज़ से यहाँ पे तेल निकल रहा है। देखो बाप रे बाप, ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक चीज़ है। देखो तेल ही तेल है। कम ऑन गाइस। हाँ ठीक है रुको रुको आ रहे हैं। अरे चलो अंदर और चलो, और चलो अंदर चलो। भाई सब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जरूर मिल जाएगा यार, मुझे पूरा पता है इस जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इस गड़बड़ को मैं यहाँ पे ढूंढ के निकालूंगा और इस घोटाला को मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। एक और दरवाजा, कम ऑन। हाँ व्हाट इज दिस। ए गाइस कहाँ गए? अरे यार वो लोग आया नहीं, रुको मैं जाके देख के आता हूँ। अरे यार ये तो अजीब सब बात है यार, कौन है यहाँ पे? अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस वेपन से, और ये सभी एडवांस वेपन यहाँ पे क्या कर रहा है? अजीब बात है यार, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है यार, ये है क्या? चलो यार मैं देख के आता हूँ और ज़्यादा यहाँ पे देखता हूँ। गाइस यार ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप का है यार। अरे यार ये तो सच में नहीं यार, ये तो भाई अरे कौन है यार? बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम आया प्लानिंग यहाँ पे। तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे फुदक रहे थे ना फ्रैंकलिन, इस दरवाजे के अंदर क्या है करके। कोई नहीं मैंने दिखा दिया ना क्या है, इस जगह से भी भागना पड़ेगा। ये जगह इसको पता चल चुका है, मेरा यहाँ पे जब शिकार था वो यहाँ पे मैंने शिकार कर लिया है। चलो कीको अभी भागो यहाँ से।